हेलो एवरीवन, शेफ़ फातिमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काढ़ा। ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, खांसी ज़ुकाम से बचाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं अपने घर में ये काढ़ा बहुत बनाती हूँ, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम 2 गिलास पानी लेंगे एक पैन में। मैं 2 लोगों के हिसाब से काढ़ा बना रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे 2 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 1 इंच टुकड़ा मुलेठी का। अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए भी बना रहे हैं तो भी 1 इंच टुकड़ा ही मुलेठी का डालें। मुलेठी को भी मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा सा क्रश कर लें ताकि उसका फ्लेवर बाहर निकल कर आए। और 4 काली मिर्च जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और 2 पिंच अजवाइन। 1 बॉयल आने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम पर कर देंगे और फिर उसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, गैस की फ्लेम हम मीडियम पर करेंगे और अब मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स पानी में मिक्स हो जाएं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, सारे मसालों ने बहुत अच्छे से फ्लेवर छोड़ दिया है और काढ़ा हमारा बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और अब इसे स्ट्रेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इस रेमेडी को बनाएं और अपने फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएँ।